अच्छा बस ठीक है, विद्या हो पढ़ाई हो सब ठीक है। आज मेरी बात इधर सुनो, इधर बस थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर में कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो बुक के हिसाब से छोटी छोटी बातें थी जो हमें करनी जरूरी है। इसका जो मेन बेसिक टॉपिक था थ्योरी ऑफ डिमांड का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, हमने बहुत अच्छे से किया था। फिर लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, बड़े बड़े मेन टॉपिक। उसके बाद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, व्हाई डज द डिमांड कम नेगेटिव स्लोप, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ा। लेकिन ये सब बड़े बड़े टॉपिक करने के बाद भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसमें रह गए, जो मैं नहीं चाहता कि हम छोड़ दें और बाद में आपको परेशान करें। तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, वो है काइंड ऑफ डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड मतलब टाइप ऑफ डिमांड। ये छोटा सा एक टॉपिक है जो उसमें रह गया, तो आओ फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहला उसने कहा प्राइस डिमांड, नंबर वन इज प्राइस डिमांड। हम पढ़ चुके इसके बारे में, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। प्राइस डिमांड क्या है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस मींस इफ द प्राइस इंक्रीज द डिमांड, इफ द प्राइस डिक्रीज द डिमांड, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। एक लाइन लिख लो, लिखो आप एक लाइन, इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज, इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक है जी, अब देखो इसे बोलते हैं डिमांड प्राइस। हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितने कितने क्वांटिटी डिमांड करते हैं, इसे बोलते हैं प्राइस डिमांड। लेकिन इसको लिखते कैसे है, जो छोटी सी बात अब नहीं सीखनी थी वो ये कि इसको हम लिखते कैसे। तो आप लिखो जल्दी से मेरे साथ, आप लिखो डिमांड ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू इट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इसे बोलते हैं फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। डिमांड ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड एक्स, एफ मीन्स फंक्शन, डीएक्स का मतलब क्या है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। लिख लो आप डीएक्स किसके लिए स्टैंड करता है, डीएक्स इज इक्वल टू डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है जी, एफ किसके लिए स्टैंड करता है, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, इसे फंक्शन कह दो या कह दो डिपेंड्स अपॉन। और फिर पी एक्स किसके लिए एक्सटेंड करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है जी, जब कभी भी हम डिमांड के फंक्शन की बात करेंगे, प्राइस डिमांड के फंक्शन की बात करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। सर इसको पढ़ते कैसे है, हाउ डू वी रीड इट, ये तो लिखने की बात हो गई, तो लिखो पढ़ते कैसे है इसको, इसको पढ़ा कैसे जाता है, देखो फटाफट जल्दी से। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ अदर थिंग्स, इसको पढ़ना है डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, नो सॉरी, इसको कैसे पढ़ना है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको पढ़ेंगे डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, ओके, क्या वो नींद नहीं आ गई, ओके, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, ऐसे कह सकते हैं। लिख लो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड दिस, इसको रीड कैसे करेंगे, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस या डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, कैसे भी रीड कर सकते हो आप, इन दोनों तरीके से रीड कर सकते हो, डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस या डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, आप इसको कैसे भी रीड कर सकते हो। ठीक है जी, लो ये हो गई दो बात है, फाइन, ये छोटी बात सीखनी थी, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। एक अदर आगे लिखो इनकम डिमांड,
द सेकेंड इज इनकम डिमांड। अब ये भी आप जानते हो, पढ़ चुके हैं ना इनकम डिमांड। बोलो कौन सी डिमांड होती है वो इनकम डिमांड? या वेरी गुड, कौन सी डिमांड है? जब हम डिमांड का रिलेशन पढ़ते हैं कंज्यूमर की इनकम के साथ, दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। लिखो फटाफट एक लाइन, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स इनकम एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम डिमांड। इसको लिखेंगे कैसे? लिखे देखो, डिमांड ऑफ गुड एक्स डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ कंज्यूमर। डिमांड ऑफ गुड एक्स डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। वाई स्टैंड फॉर इनकम। इसे कैसे पढ़ेंगे? रीड कैसे लिखोगे? रीड कैसे करोगे? डिमांड ऑफ गुड एक्स डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है जी, इसको ऐसे रीड करते हैं। एफ का मतलब है डिपेंड, फंक्शनल रिलेशन। अगर वैसे पूछा जाए ना आपसे क्या है चीजें, तो बोलो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कोई आपसे पूछे ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट्स अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ये क्या है? आप कहो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको लास्ट में किस लिए बोल रहा हूं कि पहले हम पढ़ चुके, होती क्या है, मेन चीज हम पढ़ चुके। अब छोटी छोटी टिपिकल सी बातें बाद में लास्ट में हम कर ले, ताकि कल कोई आपको दिखा दे और पूछे ये क्या है, तो आपको ये तो पढ़ाया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अच्छे से पढ़ चुके व्हाट इज इनकम डिमांड, वेयर वी रीड द रिलेशन, वेयर वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। इसको लिखते हैं ऐसे। ये क्या होती है? प्राइस डिमांड, वेयर वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। हम ये बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब लिखना सीख रहे हैं थोड़ा सा, इसको लिखना कैसे। आ जाओ तीसरी डिमांड। तीसरी है क्रॉस डिमांड। नंबर थ्री इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड, दिस शोज द रिलेशन बिटवीन, लिखो, दिस शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। आई बात समझ में? कौन से होते हैं गुड्स बताओगे? वो कौन से होते हैं रिलेटेड गुड्स, कौन से होते हैं? और सब्सिट्यूट, दोनों तरह के। ये देखो, इसको लिखेंगे कैसे हम? अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई। आप समझे मेरी बात? क्या लिख रहे हैं हम? द डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई, दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। लिख रहे हैं आप? द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड डिमांड ऑफ गुड एक्स। यही होता है ना, सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात करते हैं, वहां दो गुड्स होते हैं, याद है आपको? ये देखो ना, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द डिमांड ऑफ गुड एक्स, दैट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस डिमांड। और क्रॉस डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं? द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? फिर वही बात आई, सब्सिट्यूट्स एंड, यहां भी हम क्या पढ़ते हैं, यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? ये देखो, हमने पढ़ा था ना टी एंड कॉफी, दोनों कितने की थी?
दस रुपए की, ये जैसे ही आठ की हुई तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, टी की डिमांड कम हो गई थी और इसकी डिमांड, तो हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द डिमांड ऑफ गुड एक्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई, यही तो पढ़ा था। इसको अगर आप गुड एक्स मान लो और इसको गुड वाई मान लो तो आप क्या पढ़ रहे थे, यही तो आपने पढ़ा, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी जैसे ही इसका प्राइस कम हुआ इसकी डिमांड बढ़ गई, तो आपने क्या पढ़ा, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द डिमांड ऑफ गुड एक्स, ये तो आप पढ़ रहे थे। या इसको ऐसे पढ़ लो या ऐसे समझ लो, अगर इसको आप एक्स मानना चाहो एक्स मान लो, इसको वाई मानना चाहो वाई मान लो, इसको कर दो आठ रुपए, अब क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ प्राइस, किसका प्राइस ज्यादा है, कॉफी का, यही तो आप पढ़ रहे हो। ये देखो इसकी डिमांड बढ़ गई ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द डिमांड ऑफ गुड एक्स, इसकी डिमांड बढ़ गई इसके प्राइस के मुकाबले। और यहां भी आप यही पढ़ते थे, यहां भी तो आपने यही बात पढ़ी थी, यहां आपने पढ़ा था पेन और इंक, या पढ़ा था कार और पेट्रोल, पढ़ा था ना आपने, क्या हुआ था आपने बताओ, मगर मान लो पेन दस रुपए का है और इंक भी दस की दिया, कुछ था क्या एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल था ना, कार और पेट्रोल, पेन और इंक का दिया था, मान लो दोनों का सेम प्राइस है, अगर मान लो इंक का प्राइस पांच हो जाएगा तो पेन का क्या हो जाएगा, अगर इंक का प्राइस घट जाएगा तो पेन का क्या हो जाएगा, पेन की डिमांड भी बढ़ जाएगी, लोग वो ज्यादा पेन लेने लगेंगे जिसमें इंक घटती है, ये काम हमने पढ़ा था, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द डिमांड ऑफ गुड एक्स, मतलब जब हम क्रॉस डिमांड की बात करते हैं तो क्रॉस डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, दो गुड्स के बीच में फंक्शनल रिलेशन क्या है, डिमांड का और प्राइस का, दैट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड, वेयर वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड बिटवीन टू गुड्स, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और वो टू गुड्स कैसे होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आगे बस समझ में, बस लिखना इस तरीके से, ठीक है जी, क्या लिखा है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द डिमांड ऑफ गुड एक्स, आगे समझ, चलो आगे लिखते हैं, एक और लिखो, एक और डिमांड होती है डेराइव्ड डिमांड, एक और डिमांड है डेराइव्ड डिमांड, डेराइव्ड डिमांड, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं मैडम पूछना ले इसलिए, डेराइव्ड डिमांड क्या होती है, डेराइव्ड, देखो पता क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, मान लो सलमान खान आया पिक्चर के अंदर और उसने एक अलग अलग तरह के शूज डाल लिए, शूज समझते ना वो पैरों में डाले अलग तरह, कुछ अलग तरह के शूज, नॉर्मल शूज नहीं, अरे गई है बहुत नींद में आई, बहुत नींद में क्या है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा मुझे तो आ रही है इसलिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं आ रही, अब सुनो, तो सलमान खान ने एक अलग तरह की शूज डाल ली और वो ऐसे रख के वो उसके ऊपर ऐसे दिखा भी रहा है, और शूज पे उन्होंने कैमरा भी डाला, नोट कर, लड़कों ने नोट कर लिया, अरे यार यही शूज चाहिए, घर में नहीं डालती, स्यापा पड़ गया घर के अंदर, यही वाले शूज चाहिए, ऐसा होता है अक्सर, वही शूज लेने के लिए मार्केट में चले गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी सारे चले गए मार्केट, अलग अलग टाइम पे दुकान पे जाके क्या बोला, वो गए और सलमान खान ने जो शूज डाले थे ना वही वाले शूज चाहिए, मेरी बात सुनो, शूज किससे बनते हैं, चमड़े से, शूज किससे बनते हैं, लेदर से, अब शूज की डिमांड बढ़ी है मार्केट में, लेदर कोई नहीं मांग रहा है, यू विल नॉट गो टू द शॉप एंड से भैया लेदर दे दो, क्या बोलोगे, भैया शूज दे दो, आपने क्या मांगा, शूज, लेकिन शूज को बनाने के लिए क्या लगेगा, तो डिमांड किसकी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड, विच इज नॉट डायरेक्ट, विच इज इनडायरेक्ट, अब समझे मेरी बात, यू हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ शूज बिकॉज ऑफ सलमान खान एंड नाउ बिकॉज ऑफ दोज शूज द डिमांड ऑफ लेदर हैज गॉन अप, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, आई बात समझ, फॉर एग्जाम्पल शादियों का सीजन है, छोड़ो सलमान खान को, शादियों का सीजन है, तो शादी में दूध पिलाता है किसी को, दूध आपने कभी देखा, दूध पिलाते हुए क्या बनाते हैं, पनीर, कॉफी, उसके बाद और भी बहुत कुछ, शेक, दूध वाले आइटम बहुत सारे आइटम है ना बनते हैं ना,
बहुत सारे आइटम सुनो मेरी बात, बहुत सारे आइटम बनते हैं दूध वाले लेकिन दूध नहीं पिलाया, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ जाती है? दूध की। क्यों क्यों? क्योंकि से चीजें बनती है। डायरेक्टली दूध कोई नहीं मांगता। हाँ शादी में क्या चाहिए? दही चाहिए, पनीर चाहिए, शेक चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, लेकिन डायरेक्टली दूध कोई नहीं मांग रहा है। पर डिमांड किसकी बढ़ गई? क्योंकि दूध से ही सारा कुछ बनेगा। तो समझो वे अंदर डिमांड इज इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। समझ गए एग्जांपल में? आप एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल शूज एंड लेदर, फॉर एग्जाम्पल यहां प्राइस नहीं आया, सुनो मेरी बात, प्राइस की बात ही नहीं की मैंने, और ये दोनों सप्लीमेंट्री भी नहीं है, कम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, मैंने बात नहीं की। मैंने बात की है कि आपने दुकान पे जाके मांगे जूते, और जूते बनते किससे? लेदर से। ऑटोमेटिकली मार्केट में लेदर की डिमांड बढ़ गई। आप कभी भी आज तक घर में लेदर लेके नहीं आए, आपने क्या मांगी? भैया प्योर लेदर की बेल्ट है, लड़के बेल्ट डालते हो ना आप लोग, क्या मांगा? भैया प्योर लेदर की बेल्ट है। अरे आप क्या मांग रहे हो? प्योर लेदर की बेल्ट। इसने मांगी, ये तो बेल्ट मांग रहे हैं, पर डिमांड किसकी बढ़ रही है मार्केट में? लेदर। जो प्रोड्यूसर है, जो माल बना रहा है, जो बेल्ट बना रहा है, उसको अब क्या चाहिए? उसको बेल्ट नहीं चाहिए, बेल्ट तो वो बना रहा है, उसे क्या चाहिए? लेदर चाहिए, लेदर। तो ऑटोमेटिकली लेदर की डिमांड बढ़ गई। किसी ने लेदर नहीं मांगा, लेदर ने किसी ने लेदर नहीं मांगा, ना ही लेदर का प्राइस गिरा, ना ही बेल्ट का प्राइस गिरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आपने मांगी बेल्ट और बेल्ट बनती थी लेदर से, तो जब लेदर की डिमांड बढ़ गई दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। हो गई बात खत्म? चलो आगे लिखो, एक और होती है डायरेक्ट डिमांड, एक और है नंबर पांच पे डायरेक्ट डिमांड। अच्छा इसे इनडायरेक्ट भी कहते हैं जी, लिख लेना ऊपर। अब आगे डायरेक्ट डिमांड, ये डायरेक्ट डिमांड का पंखे की जरूरत है, पीछे लगाऊ, मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है सर, और कुछ नहीं। लिखो, व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर डायरेक्ट, When a commodity is demanded for direct satisfaction of want is called direct demand of want, direct demand। ठीक है जी, जैसे आप हजारों डिमांड करते हो दिन के अंदर, चॉकलेट से लेके खाने से लेके आइसक्रीम से लेके हजारों, तो सब क्या है? डायरेक्ट डिमांड। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो, ज्वाइंट डिमांड, एक और होती है ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट, अब एक के साथ एक जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। एक तरह से कंप्लीमेंट्री की बात करेंगे, और लिख लो जरा से, व्हेन टू और मोर गुड्स are demanded at once, for direct satisfaction of wants, is called joint demand. When two or more than two goods, dekh lo, when two or more than two goods are demanded at once for satisfaction of wants is called joint demand. For example, this is how, dekho bhi aapne kya manga malum dukan pe jaake, idhar dekho bhaiya, ek dena ice cream, kya manga aapne? Ice cream, malum hai kya hua aapke ice cream mangne se? Malum kya hua?
इन सब की डिमांड बढ़ गई। पाउडर पाउडर बिल्कुल स्किन पाउडर होता था आइसक्रीम में स्किन पाउडर, फिर ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर की भी तो डिमांड बढ़ेगी बहुत कुछ बहुत कुछ। इवन यहाँ तक कि उसमें जो स्टिक लगती है उसकी भी है ना, यानी दो से ज्यादा बहुत सारी चीज है और भी बहुत सारी, यानी आपने तो एक आइसक्रीम की डिमांड बढ़ाई और उसके साथ साथ आइसक्रीम बनाने के लिए दूध पाउडर ड्राई फ्रूट्स उसके बाद क्रीम शुगर और बहुत कुछ सबकी डिमांड बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइंट डिमांड। ठीक है जी, चलो एक और लिखो कंपोजिट डिमांड। बस लास्ट करो देखो, डिमांड ऑफ सच अ कमोडिटी, डिमांड ऑफ सच अ कमोडिटी विच कैन बी पुट ऑन, डिमांड ऑफ सच अ कमोडिटी विच कैन बी पुट ऑन अल्टरनेटिव यूजेस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। डिमांड ऑफ सच अ कमोडिटी विच कैन बी पुट ऑन अल्टरनेटिव यूजेस इज कॉल्ड अ कंपोजिट डिमांड। मुझे एक एग्जाम्पल दें, जल्दी बताओ एक एग्जाम्पल है। आप पहले पढ़ो बताओ कंपोजिट डिमांड है, कोई ऐसी चीज जिसको हम डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी है, यस वाटर भी है, हवा तो नेचुरल है, वो इसके पैसे नहीं देने पड़ते। लिखो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, सी आई टी वाई, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैं साफ साफ लिखू, पता नहीं जब मैं साफ लिखता तो ऐसा लिखता हूँ और गंदा लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है और भी, आ जाओ ये छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था जिसमें आपने तीन चीजें सीखी, तीन फंक्शन सीखे आपने, सच्चा के लिखते कैसे हैं, तो हमने ये सीखा। देखो इधर इसको लिखते हैं हम डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड द रिलेशन बिटवीन गुड एक्स, इसको लिखते हैं हम डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड द रिलेशन ऑफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसको लिखते हैं हम डिमांड ऑफ गुड एक्स फंक्शन रिलेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड वाई। बस ये तीन रिलेशन छोटे छोटे सीखे आपने, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब ऐसी ही बातें थी। कहीं गलती से मैडम पूछ ले व्हाट इज ज्वाइंट डिमांड व्हाट इज कंपोजिट, मैं नहीं चाहता कि आपके कान खड़े हो जाए, सर ने पढ़ाया नहीं इसलिए लिखवा दिया, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लो ये भी बात खत्म हुई, अब आगे चले कहाँ चले, नहीं घर है कहाँ चले, बीस मिनट पड़े नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे बस करो, अरे फिर दो छुट्टी आगे आगे दो छुट्टी आ रही है अभी क्या कल टेस्ट ना लू जबरदस्ती करा दो, अभी 20 मिनट पड़े 5 मिनट काम है। देखो आप मैं देखो कितने हैराने की बात है कि आज के बच्चे सामने से क्या है, एक मिनट बंद करो सब कुछ दिखा लोग, चैप्टर खत्म हो जाएगा बस 5 मिनट रह गया, आ जाओ हाँ जी मैं एक मिनट आया एक मिनट, मुझे लगता है ये अच्छा चलो बस ठीक है, यही खत्म करते हैं अब कल मिलेंगे बाकी कल करेंगे। ठीक है जी चलो बाकी कल करेंगे, कॉपी छोड़ दो, हाँ टेस्ट है।